Hey guys, welcome back to my channel. Today's topic is all about hair fall. आज हम जानेंगे कि हेयर फॉल के कारण क्या होते हैं और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है. इसके साथ ही मैं आज आपके साथ अपनी हेयर फॉल की जर्नी शेयर करूंगी कि कैसे मुझे एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने अपने बालों को कट किया एंड फिर मैंने उसके बाद क्या हुआ ये आप आगे वीडियो में देखिएगा. एंड हेयर फॉल की प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत ही कॉमन हो गई है. सिर्फ फीमेल्स में हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि मेल्स में भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिसे आप फॉलो करके अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं या फिर हेयर फॉल से बच सकते हैं. तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा सो दैट कि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आता है हेयर फॉल के कारण. हेयर फॉल के कारण को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल. इंटरनल पार्ट्स में है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसके कारण हेयर फॉल होता है. तो इंटरनल्स में भी तीन सेक्शन होते हैं. पहला होता है हार्मोनल चेंजेस. अगर आपकी बॉडी में एंड्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है. सेकंड होता है जीन. अगर आपके फैमिली में किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी एंड गंजापन था तो हो सकता है कि आपका भी हेयर फॉल इसी वजह से हो रहा है. थर्ड है हेल्थ इश्यूज. अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज है, थायराइड, डायबिटीज़ है, स्ट्रेस है, तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है. बट इस कंडीशन में अगर आप अपने डिजीज़ का ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आपके हेयर फिर से ग्रोथ करने लगेंगे. और एक्सटर्नल में आता है कॉस्मेटिक्स. जब हम किसी बाहरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं लाइक शैम्पू, ऑयल और जो भी हम प्रोडक्ट्स अपने बालों पे यूज़ करते हैं, अगर उसमें बहुत सारा केमिकल होता है और वो हमारे बालों के साथ रिएक्शन कर जाता है तो भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है. इस कंडीशन में आपको अपने कॉस्मेटिक्स को चेंज करना होगा, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने होंगे जिसमें केमिकल्स की मात्रा बहुत ही कम हो या ना के बराबर हो. तो अगर आप भी अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले पता कीजिए कि आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है. आपके बॉडी में कोई डिजीज़ है या फिर ये कॉस्मेटिक्स की वजह से हो रहा है. अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज़ है तो फर्स्टली आपको उसका ट्रीटमेंट करना होगा. जब तक आप उस डिजीज़ का इलाज नहीं कर लेते आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो पाएगा. एंड अगर आपने उसका ट्रीटमेंट करा लिया है तो फिर से आपकी हेयर ग्रोथ होने लगेगी. एंड अगर ये कॉस्मेटिक्स की वजह से हो रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए जिसमें केमिकल्स की मात्रा ना हो. तो सबसे पहले हमें पता करना बहुत ही ज़रूरी है कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है. एक साल पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था. मैंने हेयर फॉल को रोकने के लिए बालों को कट कर लिया क्योंकि मुझे मैंने सुना था कि बालों को कट करने से हेयर फॉल रुक जाता है. बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ये बहुत ही इरिटेटिंग होता है जब आप घर में चलते हो और आपको सब जगह आपके टूटे हुए बाल दिखाई देते हैं. तो मैंने फिर लास्टली एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अपने बालों में जो कलरिंग कराई है एंड हेयर परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करवाई है उसकी वजह से, जो केमिकल यूज़ हुआ है उसमें, उसकी वजह से ही मेरा हेयर फॉल हो रहा है. तो हाँ, उस टाइम पे उन्होंने मुझे होम्योपैथिक शैम्पू एंड ऑयल रिकमेंड किया एंड उसके साथ ही मुझे एक मेडिसिन दी. मैं आपको अभी वो शो कर रही हूँ. सबसे पहले उन्होंने मुझे ये विजल का जबरंडी ऑयल दिया और कहा कि आप मैं किसी दूसरे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करके इसे यूज़ करो, ये बहुत ही अच्छा है. एंड सेकंड में उन्होंने मुझे ये विजल का निका शैम्पू दिया. एंड थर्ड उन्होंने मुझे ये उस टाइम हेयर फॉल को तुरंत रोकने के लिए ये एस्केल्टोन मेडिसिन दी. ये टैबलेट है और इसे डेली खाना रहता है, एक गोली डेली. और
मैंने इसे एक मंथ तक ही खाया और मेरा हेयर फॉल रुक गया था। ये ऑयल एंड शैम्पू मेरे लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा। इसके साथ ही मैंने अपने डाइट में भी चेंज किया था, मैंने कुछ होम रेमेडीज़ भी यूज़ किया था एंड एक्सरसाइज रेगुलरली किया था जिससे ब्लड सर्कुलेशन मेरा बना रहे, और इन सब को मिलाकर मेरा हेयर फॉल रुक गया था। एंड आप देख सकते हैं अब मेरे बाल कितने लंबे हो चुके हैं। आई थिंक ये इनफ है एक साल में इतने बाल लंबे होना। मैं आपको यहाँ पे साइड में अपनी एक साल पुरानी फ़ोटो लगाऊंगी जिसमें मैंने अपने बालों को कट किया था और वो बहुत ही छोटे लेंथ में हो गए थे। आप कोई ना कोई शैम्पू ऑयल तो ज़रूर ही यूज़ कर रहे होंगे, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। साथ ही अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसे फॉलो करके आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। सबसे पहला टिप्स है कि बालों को रेगुलर ऑयलिंग करें, बालों को कभी भी ड्राई नहीं होने दें। इट मीन्स कि स्कैल्प को विंटर में स्कैल्प बहुत ही ड्राई हो जाता है और विंटर में हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ जाती है, तो अपने बालों को रेगुलरली ऑयलिंग करें। और सेकेंड में आप आंवला का सेवन कर सकते हैं जिसे इंग्लिश में गूसबेरी कहा जाता है। ये बालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसमें विटामिन सी होता है जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड थर्ड में आप ओमेगा 3 और 6 जिसमें पाया जाता है उस फूड का सेवन कर सकते हैं, उस फूड को खा सकते हैं। इसके साथ ही आयरन एंड जिंक की मात्रा जिनमें ज़्यादा होती है खाने को खा सकते हैं। फोर्थ टिप्स है कि आप बालों को कभी भी कसकर टाई नहीं करें। कसकर टाई करने से क्या होता है, हमारे बालों की जड़ें बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और फिर बाल टूटने लग जाते हैं। फिफ्थ में है कि कभी भी गर्म पानी को अपने बालों पे यूज़ नहीं करें, क्योंकि अभी विंटर में अक्सर हम हॉट वाटर से बात करते हैं बट कभी कभी हम उसे अपने बालों के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि बहुत ही बुरा है बालों के लिए। बालों को बहुत ही इफ़ेक्ट करता है, हेयर फॉल को बढ़ाता है। सिक्स्थ में है कि घर से बाहर निकलने से पहले यानी धूप में जाने से पहले आप बालों को स्कार्फ से कवर कर लें। इससे क्या होता है कि आपको पॉल्यूशन जो बाहर पॉल्यूशन होता है वो आपके बालों को इफ़ेक्ट नहीं करता और बाल ड्राई और फ्रिजी नहीं होते। अगेन ड्राई और फ्रिजी बाल हेयर फॉल की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। सेवेंथ में है कि आप जो भी कॉम्ब यूज़ करते हैं, कंघी यूज़ करते हैं, उसे रेगुलरली क्लीन करते रहें, क्योंकि जब भी हम अपने बालों को डेली कॉम्ब करते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं और बार बार सेम कंघी यूज़ करने से भी हमारे बालों को बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। सेवन है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। नाइन्थ, सोने से पहले अपने बालों को टाई करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आपके बाल लंबे हैं या छोटे हैं, बालों को खुला बिल्कुल भी ना सोएं, खुला कर बिल्कुल भी ना सोएं। इससे बाल बहुत ही उलझ जाते हैं और अगेन झाड़ने पे कंघी करने पे टूटते हैं। एंड लास्ट है कि गीले बालों को कभी भी कॉम ना करें। गीले बाल बहुत ही कमज़ोर होते हैं और अगर उस टाइम आप उसे कंघी करते हैं तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टूटते हैं। सो गीले बालों को कभी भी कॉम ना करें। और आज के लिए इतना ही। वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी कि मेरी हेयर केयर रूटीन क्या है जिससे मैंने एक साल में अपने इतने बाल को ग्रोथ फास्ट किया है। अगेन आप मेरे बाल देख सकते हैं, ये काफ़ी हेल्दी हैं और थिक भी हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आगे आपके साथ और भी हेयर केयर टिप्स शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।